हो सके मिल जाता है, गैप ज़्यादा रहेगा तभी, गैप ज़्यादा नहीं है। बस बहुत नहीं है, बस मीट कर रही है गाइस, यहीं खत्म। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में गाइस मिलने वाला आपको देखने के लिए रेस और कंपैरिजन टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V एंड बजाज पल्सर NS160। सो गाइस दोनों बीच में अभी करने वाले ड्रैग रेस और साथ में एक कंपैरिजन भी रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन से, तो यहाँ देख सकते हो डिजाइन, दोनों ही बाइक के डिजाइन पूरा डिफरेंट है। किन्हीं को जो है अपाचे का डिजाइन अच्छा लगता है और किन्हीं को जो है NS का डिजाइन अच्छा लगता है। तो ये सब तो सब्जेक्टिव पोर्शन हो गया। बात करें सबसे पहले प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो है ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। अपाचे 164V आर 1,64,000 इन माय सिटी एंड ये आ रही है 1,71,000। एंड अभी जो है इसके अंदर फुल्ली डिजिटल सेटअप आ चुका है, तो उसका जो प्राइस है 1,80,000। लेकिन ये जो है उस मॉडल से पुराने मॉडल है, तो ये इसका जो प्राइस था 1,70,000 था ऑन रोड इन माय सिटी। सो गाइस यहाँ पे जो है नई वाली एनएस आई है उसमें इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए मैं ये लेकर आ गया बिकॉज यही मेरे से अवेलेबल हो पाई। तो बात करें इंजन की, तो उसमें मिलता है 160cc का ऑल कूल्ड इंजन जो की 17 BHP की पावर एंड 14.6 Nm का टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस करती है। वही बात करें अपाचे की, तो इसमें मिलता है 160cc का ऑल कूल्ड इंजन जो की 4-valve इंजन है, और इसमें मिलता है 4-valve इंजन एंड ये प्रोड्यूस करता है 17.3 BHP एंड 14.7 Nm ऑफ टॉर्क। तो पावर फिगर्स में 3.3 BHP ज्यादा मिलेगा अपाचे में, प्लस 0.1 Nm ज्यादा टॉर्क मिलता है। तो देखते हैं क्या इसका फर्क पड़ता है प्रैक्टिकल में रेस में। एंड ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी है, तो ये काफी एडवांस है एनएस का जो स्पीडोमीटर है। यहाँ पे देख सकते हो जो लीवर है वो एडजस्टेबल है, इसको सेट कर पाओगे, तो ये काफी सही चीज है। जिसमें जो पूरा कलर है फुल रेस से इंस्पायर्ड कलर दिया गया है। सो गाइस इसके जो एग्जॉस्ट है वो काफी रिफाइंड एंड स्पोर्टी है एंड इसके अंदर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मिलता है, वहीं पे एनएस मिलता है आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट। चलो उसका भी आपको एग्जॉस्ट में मैं सुनाता हूँ किस तरह का ये बाइक साउंड कर रही है। सो ये आपने सुना है एग्जॉस्ट नोट, आप लोग कमेंट करोगे किसका एग्जॉस्ट नोट अच्छा लगा। इसमें आपको किक भी मिलता है और अपाचे में किक नहीं मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं चला रहा हूँ NS160 एंड शाहरुख चला रहा है 160 अपाचे 4V। यहाँ पर भाई काफी आरटीआर निकल गई है आगे, काफी अच्छा लॉन्च हो चुका है भाई। यहाँ पर विजय भी चल रही है भाई NS160 भी। देखो भाई चल रही है लेकिन काफी ज्यादा आगे भाई, अब बाकी आज यार 4V काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है, बहुत ज्यादा पीछे रह गया भाई। सो गाइस पता नहीं ये 5th गियर पे झटका मार रही थी, ऐसा लग रहा था कि बाइक रुक रही है, पेट्रोल शायद इसमें नहीं है क्या। सो गाइस जैसा कि आपने देखा इनिशियल में जो है बहुत टक्कर हुआ, लेकिन 80 के बाद गाइस अपाचे 164V आगे निकल गई। एंड एनएस में क्या हुआ कि जब मैं 5th गियर पे था तो थोड़ी सी बाइक झटका मार रही थी, भाग नहीं पा रही थी, क्या पता क्या इशू है बाइक के अंदर। लेकिन ओवरऑल बात करें फर्स्ट अटेम्प्ट का जो विनर है वो है अपाचे 164V, बिकॉज पावर तो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा पावर मिलता है और टॉर्क भी ज्यादा मिलता है। एंड यहाँ आपने देखा प्रैक्टिकल में फर्स्ट अटेम्प्ट का जो विनर है वो है अपाचे 164V। अभी जो है राइडर एक्सचेंज करेंगे एंड देखेंगे क्या होता है रिजल्ट। सो गाइस अब सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, मैं चला रहा हूँ अपाचे और शाहरुख चला रहा है 160, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भाई अभी तो बराबर का चल रहा है रेस, अपाचे आज यार 4V निकल ही जा रही है आगे। गैप लेकिन काफी कम है भाई, काफी ज्यादा गैप नहीं है। हो सके मिल जाता
भाई गैस ज़्यादा रहा, गैस अभी गैस ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखोगे तो भाई 115 116 तो भाई क्या गैस रहा भाई, बस बहुत नहीं है, स्पीड कर रही है गाइस, कहीं खत्म। सो यहाँ आपने देखा रिजल्ट, इनिशियल से लेके लास्ट तक जो है अपाचे 164 भी आगे रही। तो बात करें विनर की तो यहाँ पे अपाचे 164 भी रही विनर, लेकिन गाइस 0 to 100 में नो डाउट अपाचे 164 भी आ गई है, कोई से मतलब अभी तक हरा नहीं पाया 160 में। लेकिन पीछे थी ना, मैटर ये है। हाँ, मैटर तो ये जीत गई, लेकिन इनिशियल बहुत बेस्ट है इसका, यही हुई विनर। वो तो है ही, जो शुरू से लेकर लास्ट तक आगे चली आगे चली रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वही रिजल्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी शुरू से लेकर लास्ट तक चला, लेकिन यही कि थोड़ा सा पीछे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा पावर ज्यादा, थोड़ा सा टॉर्क भी ज्यादा, इसका बेनिफिट मिल रहा है यार, नया बाइक आया था। और बात यह है कि अच्छा है इसका इनिशियल पावर, मेरा वेट भी तुमसे थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए वही पड़ा हुआ इंपैक्ट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम चला रहे थे अपाचे, हां काफी ज्यादा वेट था यहां पर, अब मेरा वेट ज्यादा तो थोड़ा लाइट वेट रहेगा, उतना ज्यादा स्पीड बाइक ज्यादा भागेगी, वही चीज है, खेल होता है, तेरा वेट ज्यादा था तो शुरू में ये हो रहा था कि काफी ज्यादा गैप निकलोगे, तो सेकंड अटेम्प्ट में ये थोड़ा पीछे, लेकिन देखा जाए तो विनर यही है, नो डाउट यही विनर है गाइस। ये था वीडियो, जैसा कि आपने देखा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में अपाचे जो है वो निकल गई इनिशियल से लास्ट तक। सो ये था वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर माय ड्यू फैमिली।